हेलो, हेलो, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, पर आप कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। ओह सॉरी 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 यार, मुँह तो लिगड़ गया था जानू। मैं शादीशुदा कोनी, मेरी कोई बीवी बीवी कोनी। कमीने कुत्ते, मैं तेरी बीवी बोलने लाग रही सू। तेरी गर्लफ्रेंड को ना बोल दी, तू एक बार घर आ जा, फिर बताऊंगी तने। हेलो, गाइज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज गए हैं, और जो है मैं अपना इवनिंग रूटीन शुरू कर रही हूँ। आजकल मैं दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि निशु की 1-2 दिन से छुट्टियाँ चल रही है, क्योंकि इसके पेपर मंडे से या ट्यूसडे से इसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस थोड़े से बर्तन है, मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ और किचन क्लीन कर लेती हूँ दांत में। तो अभी जो है सब्जी जो है रखी हुई है, और मुझे सिर्फ चावल बनाना है, और थोड़ा सा जो है मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, और देखती हूँ और क्या बनाऊंगी। तो अभी जो है मैं इवनिंग रूटीन शुरू कर रही हूँ, और आजकल मैं दोपहर में थोड़ा सा लेजीपन फील करती हूँ, क्योंकि रात तक मैं थोड़ा सा एक काम करती रहती हूँ। तो मेरे दाता ना कुछ ना कुछ क्या हुआ? देखिए मेरा सारा काम जो है फिनिश हो गया। सारे बर्तन मैं आपको ट्राइपॉड घुमा के दिखा देती हूँ। सारे बर्तन जो है मेरे धुल गए, ये देखिए। और मुझे काम फिनिश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी काम। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ चाय रख दी है उबलने के लिए, इस वाले कटोरी में चाय रखी है, और यहाँ पे दूध रख दिया उबलने के लिए। और अब जो है मैं फटाक से कपड़े चेंज करके जा रही हूँ सर्फ लेने, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं मशीन में। आज 2 दिन हो गए कपड़े नहीं धुले हैं, तो आज अभी जा रही हूँ मैं, कपड़े लगाऊंगी, उसके बाद जो है चादर बिछाऊंगी, और फटाक से मैं पहले सर्फ लेके आती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। कंटिन्यू। मैंने यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और जो ओपन बाल में मेरे से काम बिल्कुल नहीं होता, मैंने ये वाली टी शर्ट डाली है, और साथ में ये वाली पैजामी डाली है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं बगल में जा रही हूँ दूध वगैरह लेने के लिए। तो बस यही ये लोअर ये डाली है मैंने, ये वाला ठीक है, और ये वाली अपनी टी शर्ट डाली है। तो बस शायद मैंने टी शर्ट उल्टी पहन ली है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं चेक करके। ये है बोरी जिसमें मैंने अपना पूरा 1 महीने का पूरा को आँख उठा के देखना पड़ रहा है। तो मैंने जो है अपना पूरा 1 मंथ का पूरा जो है 1 महीने का राशन मंगाया हुआ है, तो वो अभी मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। अभी जो है मैंने चाय पिए, तो मैंने ये जो ऐसे ओपन कर दिया है, तो ये एक पैकेट है जो चाय के साथ खाने के लिए स्पेशल ब्रेड टोस्ट है, और ये मीठे वाले नहीं है, चाय के साथ खाने वाले हैं। और एक टोस्ट आता है जो थोड़ा सा मीठापन होता है उसमें, ये वो वाला नहीं है। और ये सारा मैंने सब कुछ ग्रोफर से मंगाया है, और ये एक बिस्किट का पैकेट आया है, ब्रेकी कुकीज़ ये इस तरीके से। और सारे ऑफ़र मुझे बहुत अच्छे लगे, सिर्फ एक ऑफ़र छोड़ के जो है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ये कुछ मसाले के जो है पाउचेस मंगाए हैं मैंने। एक्चुअली मैं मसाला जो है डब्बा वाला नहीं मंगाती हूँ, वो मेरे को समझ में नहीं आता, ये पाउच जो है मैं ओपन करके इसको जो है डब्बे में डाल देती हूँ। और
मैंने काफी सारी चीजें मंगाई है। ये एक ब्रश है, कोलगेट का ब्रश है, और ये इस तरीके का है कोलगेट का। तो बहुत अच्छे ग्रोफर्स में डील चल रहे हैं आजकल। मैंने जो है ऑनलाइन चीजें अप्लाई करना शुरू किया है। और ये कुछ बूरा वगैरह है, चीनी या गुड़ का कुछ बूरा है, ये तो हमने शॉप से मंगाई है। और मैंने मंगाया है बहुत सारे यूपी के पाउचेस। आपको मैं दिखा देती हूँ यूपी के पाउचेस कितने हैं। आई थिंक 5 यूपी के पाउचेस हैं। मैं पांचों आपको एक साथ दिखा देती हूँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं। तो ये पांच जो है मैंने यूपी के पाउचेस मंगाए हैं। एक, दो, तीन, चार एंड पांच। तो 5 मैंने यूपी के पाउचेस मंगाए हैं। और उसके बाद आता है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी 5 पाउच मंगाए मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पाउच मंगाए हैं मैंने। ठीक है। उसके बाद मैंने मंगाई है चायपत्ती टाटा अग्नि का। और ये है स्ट्रॉन्ग। तो ये चायपत्ती मंगाई है मैंने। ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ जो भी है ऑफर वगैरह। मुझे ग्रोफर का भी इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे डील है, बहुत अच्छा लगा। ये गुड्डे का बिस्किट और है, तो सारा मैं एक पैकेट, ये पाउचेज और है मसाले का, यानी कि 5-6 पैकेट है। और उसके बाद जो है ये घी है, और वनस्पति का घी है ये वाला, ये मंगाया है। तो आई थिंक ये दो दो चायपत्ती है मेरे ख्याल से। और ये 2 चायपत्ती इन्होंने मंगाई है। मुझे ऐसा, मुझे नहीं पता, ये सारे जो है घर के आइटम इन्होंने ही मंगाया है, क्योंकि मैं घर का आइटम जो है मैं यही राशन की दुकान से ले लेती हूँ। लेकिन इन्होंने मना किया इस बार, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक ये नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउच है, ये वाला छोटा वाला, क्योंकि कॉफ़ी मैं नहीं पीती, मैं चाय पीती हूँ, तो इसलिए लग रहा है इन्होंने 2 चायपत्ती के पाउच मंगाए हैं। एक ये इनका डिओ का पाउच है, जो कि पॉकेट पाउच है। ये अच्छा होता है पॉकेट वगैरह में यूज़ करने के लिए। और उसके बाद अगेन बिस्किट ही है, गुड्डे का बिस्किट वगैरह है, और सारा नाश्ता वगैरह का भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल, जो कि पूड़िया वगैरह और रिफाइंड ऑयल में हम सब्जी वगैरह खाते हैं। और इन्होंने मंगाया है देसी घी। ये रहा प्योर देसी घी, ये है 898 ग्राम का है। ये पूरा देसी घी है, ये शायद ये 1 किलो का है, मुझे नहीं पता, ये इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं मंगाती हूँ। तो ये 425 का है ये, और ये देसी घी है 425 का है। ओके। तो उसके बाद एक जिले गार्ड का ब्लेड मंगाया है, जिसमें 27 में 3 पीसेज हैं, एक ही पाउच में 3 पीसेज हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या मंगाया है मुझे नहीं पता। उसके बाद इन्होंने कुछ साबुन वगैरह मंगाया है, और सॉरी, और उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या मंगाया है। उसके बाद इन्होंने मंगाया है ये टाइट का सर्फ मंगाया है। ठीक है, ये सारे जो है ऑनलाइन आए हैं। और मेरे ख्याल से अब जो है इसके अंदर ये जो हमने राशन की दुकान से मंगाया है, और ये चावल है, और ये जो है प्योर बासमती चावल नहीं है, लेकिन ये चावल की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। और ये चावल काफ़ी बड़े 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 बनते हैं, ये खिल के बहुत बड़े हो जाते हैं। और मैं जो है यही वाला चावल खाती हूँ, और कोई चावल नहीं खाती मैं। और इसमें जो है फ्रेंड्स आटा है, सॉरी, और इसमें आटा है, और 5 किलो की चीनी है, और इसमें दाल दाल दिख रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं है। तो इसमें आई थिंक आटा, दाल और चीनी है, और आटे का पाउच जो है नहीं निकलेगा, बहुत हैवी है, तो नहीं निकल रहा है।
चीनी। तो ये 5 किलो चीनी है, 5 किलो कितना है ये मेरे को नहीं पता, ये बोल रहे थे शायद 5 किलो है, पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं है इसका किलो का कितना किलो है ये। और इसमें आटा और इसमें जो है 5 किलो का आटा है। और ये दाल मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया है क्योंकि हमारे घर में जो है दाल बहुत कम बनती है, तो बाकी जो दाल है अभी मैंने 15-20 दिन पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है परचेज करके लेके आई थी किराने की दुकान से, तो इन्होंने बस ये जो है आटा चावल और चीनी 3 चीज़ जो है हम किराने की दुकान से मंगाया है हमने। तो ये हमारा दाल हो गया, इसको मैं अब जो है अपने तरीके से इनको डब्बों में जो है पैक करके रखने वाली हूँ। तो हमारा जो है आज का सारा सब कुछ आइटम हो गया है। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी ये पूरा महीने भर का जो है मेन जो राशन होता है ना बस वो है। और ये चीनी चाय पत्ती जो है हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है चाय के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी इन्होंने जितनी भी चीज़ें मंगाई सारी ज़रूरत की मंगाई है। तो ये 3-4 आइटम जो है हमने किराने के शॉप से मंगाई है। और ये वाला चावल जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इस चावल की क्वालिटी दिखाऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे। ये चावल जो है 70 रुपये किलो का है लेकिन बहुत अच्छा चावल है। ये मैं चावल बनाती हूँ तो पूरा बिल्कुल बासमती की कॉपी है ये वाला चावल, उन्होंने मुझे बताया था कि ये पूरी बासमती का कॉपी है। आप चावल की जो है लेंथ देख सकते हो इस तरीके से, ये है चावल। तो चावल मेरे घर में कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ, तो ये शायद 2 या 3 किलो का चावल है, मेरे को आइडिया नहीं है। और 4-5 किलो चीनी है, 5 किलो का आटा है। तो ये 4-5 आइटम जो है ये दाल चीनी और आटा चावल ये सारी बूरा जो है ये सारी चीज़ें इन्होंने किराने के शॉप से ये इन्होंने मंगाया है। तो देख सकते हैं ये मेरा सारा आज का जो है पूरा मंथली भर का राशन हो गया है ये मेरा। और उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पे डायरी निकाली है और मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना मंथली खर्च और बजट लिखने वाली हूँ। इन्होंने मुझे घर चलाने के लिए 7,000 दिया है, 7,000 रुपये दिया है, जिसमें से मुझे बिजली का बिल, पानी का बिल, और ये मैंने डायरी छोटी सी डायरी बना रखी इन्होंने, ये मैं छोटी सी डायरी लेके आई थी, तो इसमें मैं जो है अपना हिसाब वगैरह सब कुछ लिखती हूँ। तो इसमें जो है मैं हिसाब लिखने वाली हूँ क्योंकि घर जो है ऐसे ही चलता है, आप कुछ भी करो लेकिन ठीक है। तो ये हो गया और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक बहुत अच्छे चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, मैं अभी इस ब्लॉग में नहीं बताऊँगी और अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगी, वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और आप उसमें अपना नाम, अपनी पहचान और सारा सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हो, बड़े बड़े एक्टर से जुड़ सकते हो आप लोग, और चाहो तो आप लोग अपना वहाँ पे नाम, पहचान और पैसा भी कमा सकते हो, एक फेम भी कमा सकते हो, और आपको पूरी दुनिया को अपने आप को बताने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, बहुत अच्छा जरिया मिलता है। तो ये चीज़ है, तो ये है मेरा सारा मंथली भर का राशन का प्रोडक्ट है सारा ये। तो हम जो ऐसी करते हैं और इस मुझे बिजली का बिल और पानी का बिल देने के बाद पूरा मंथ जो है चलाना है, अपने तरीके से चलाना है, तो मैं जो है ऐसे ही करती हूँ। तो ये हो गया मेरा राशन, देसी घी वगैरह सब कुछ आ गया है और बटर भी लेके आया है। तो अभी जब मैंने खाना दिया था तो बटर और ये चाय के साथ टोस्ट मैंने ओपन कर दिया क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे शेयर करने में, तो मैं टोस्ट मैंने ओपन कर दिया था, तो इसके लिए सॉरी। तो ये है मेरा सारा आज का आइटम और मेरा अच्छे 1 मिनट ओके। तो ऐसे ही अच्छे ब्लॉग अगर आपको देखना है और मेरे चैनल के साथ अगर आप लोगों को जुड़े रहना है तो प्लीज़ फटाफट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बोल गई मैं तो हाँ।
और एक ये है अमेजोन से, इन्होंने कुछ क्रीम वगैरह मंगवाया था, और बस यही है। तो और क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ तो आपको उस एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि लाइक से ना हम लोगों को थोड़ा सा एक एनर्जी मिलती है कि आप लोग हमारे ब्लॉग को पसंद कर रहे हो या नहीं। अच्छे ब्लॉग शेयर करूंगी, बिकॉज मेरी शर्त ये रहेगी कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और मुझे जो है आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग अगर अच्छे अच्छे ब्लॉग चाहते हो तो सपोर्ट तो थोड़ा सा देखो बनता ही है यार। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं, मैं पता ड्राइवर से अपने पैर सेक रही हूँ, क्या करूँ, ठंड बहुत हो रही है। तो मैं अपने उस एप्लीकेशन के बारे में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। आप वहाँ पे न्यूज़ चैनल से जुड़ सकते हो, मूवी से जुड़ सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हो उस एप्लीकेशन के जरिए। तो उससे पहले आप लोगों को मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, वरना मैं नहीं करूँगी। बात बाय बाय, गुड नाइट। तो मैंने जो है खीर बनाया था, सब्जी रोटी वगैरह बनाई थी, तो ये है मेरा खीर। सब लोगों ने खा लिया, मैंने नहीं खाया, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ। और खीर जो है मैं बहुत ज़्यादा दूध दूध को पका के बनाती हूँ, बिल्कुल रबड़ी की तरह। देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे, और मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ दूध, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इसमें मैंने कम से कम 1.5 किलो दूध लिया है, 3 लोगों का खीर बनाने के लिए। बहुत टेस्टी खीर बनाया है, और आपको इसके अंदर चावल पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरीके से दूध की मलाई जमी हुई है, आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। तो मेरे घर में जो है खीर ऐसी खाना पसंद करते हैं। तो खीर जो है मैं पहले चावल को कम से कम 1.5 से 2 घंटे पानी में भिंगो के रखती हूँ, उसके बाद दूध को उबालती रहती हूँ, उबालती रहती हूँ, बिल्कुल जैसे गाढ़ा हो जाता है। चावल को पका के इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद चावल चावल का आपको इसमें एक दाना भी नहीं दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर चावल है। आप जब इसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप रबड़ी वगैरह खा रहे हो। तो मैं जो खीर जो है बिल्कुल रबड़ी की तरह बनाती हूँ, और इसका टेस्ट बिल्कुल सच बता रही हूँ रबड़ी की तरह है, और बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो मेरे घर में सब लोग चीज़ें ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब लोग खाने के शौकीन हैं। और मैं बनारस में थी तो वहाँ से भी, और हमारे यहाँ पे तो वैसे ही सुबह का नाश्ता पूड़ी सब्जी और जलेबी से होता था। तो मैं आपको बता नहीं सकती इसका टेस्ट। और तो मैं घर पे ही रबड़ी वगैरह भी कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन चावल की खीर जो है बहुत अच्छी लगती है। मैं थोड़ा कम चावल का खीर खाती हूँ।